सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। एक 320 नवरत्न की मामवाला अभी बनाए दे तो भैया। इलो भैया, क्या बात है भैया, आप बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हो। तुम्हें आती है? नहीं नहीं, हमें नहीं आती भैया। अरे हमका क्यों मारते हो भैया? अंदर आजा भाई। क्या आप ही सेठ बंसीलाल हैं? मारो नाम बंसीलाल है, बोलो क्या बात है? सेठ घनश्याम दास ने ये हार भेजा है चेक करने के लिए। लाओ इधर लाओ। ये लो सेठ। भी नकली है और हीरा भी नकली है। अच्छा, ये हार नकली है? तो ये असली होगा। क्या बात है डैड, इतनी बारीकी से मैंने आपको कभी किसी हीरे को परखते हुए नहीं देखा। बेटा शायद तुम नहीं जानते कि इन हीरों को तराशने में मुझे पूरा 1 महीना लगा है, और ये 7 वो हीरे हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से खुद तराशा है सालों के बाद। जानते हो क्यों? क्यों डैड? क्योंकि ये खीमजी ज्वेलर्स का एक स्पेशल ऑर्डर है, एक ही बनावट, एक ही साइज के 7 हीरे, और इस एक एक हीरे की कीमत जानते हो कितनी है? कितनी? 1 करोड़ ईच। 1 करोड़, यानी 7 हीरों की कीमत 7 करोड़। और बेटा इन हीरों को परखने के लिए कलकत्ता से बंबई खीमजी भाई का जौहरी आ रहा है, जो शायद इनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा भी लगा। गोवर्धन भाई हियर। हेलो सेठ जी, बंसीलाल बोल रहा हूँ, पहचाना? बंसीलाल जी कैसे हैं आप? मैं आपको ही फोन करने वाला था अभी। आपके हीरे एकदम तैयार है? मालूम है मालूम है, इसीलिए तो आया हूं। बताइए कब आ रहे हैं हीरे लेके? बंसीलाल जी मैं तो नहीं इस बार हीरे लेकर आ पाऊंगा, बल्कि मैं अपने बेटे हरीश को आपके पास भेजूंगा। भाई आखिर करोड़ों की डील कैसी होती है वो भी तो सीखे कुछ। ठीक है ठीक है, आपको मालूम है ना कि मैं ठहरा कहाँ हूँ? बिल्कुल साहब, कौन नहीं जानता कि आप हमेशा होटल सनराइज में रहते हैं, महाराजा स्वीट में। यस कम इन। जी आप ही बंसीलाल जी हैं? क्यों कोई शक? तुम्हें चेहरे से और वेशभूषा से शक हुआ होगा है ना? भाई हम नए जमाने के जौहरी हैं, और जाहिर सी बात है कि बंसी मेरे हाथ में है तो मैं ही बंसीलाल हूं। बैठो। ये हम हरीश, हरीश गोवर्धन लाल। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम सेठ गोवर्धन लाल के बेटे हो? जी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हीरे लाए हो? हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ऐसा हीरा आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा अभी देख लेता भाई। सेठ साहब से तो 7 हीरों की बात हुई थी, ये तो एक है। बंसीलाल जी ये तो सैंपल पीस है, आप इसे ओके कीजिए, बाकी के हीरे आपके पास पहुंच जाएंगे। हीरों की टेंशन किसे है हरीश? तुम यहां पहुंच गए हो,
हीरे भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पहुंच जाएंगे। हेलो गोवर्धन है। हेलो डैड। हाँ हरीश, क्या बात है बेटा, सौदा हो गया? हीरा पसंद आया उन्हें? डैड उन्हें एक नहीं, सात के साथ हीरे चाहिए। हाँ हाँ बेटा, लेकिन कीमत क्या लगाई? इन्होंने सात हीरों की कीमत तय कर ली है और वो कीमत है मेरी जिंदगी। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं कुछ समझा नहीं। ये बंसी लाल नहीं, कोई और है। सेठ गोवर्धन लाल, तुम्हारा इकलौता लाडला बेटा हरीश मेरे कब्जे में। जो बाकी के छह हीरे हैं ना, अगर तुमने मेरे पास नहीं भेजे तो मैं तुम्हारे बेटे हरीश के सात टुकड़े करके उन्हें तराश कर तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो उसे, प्लीज, फॉर गॉड सेक उसे छोड़ दो। तुम कहते हो तो छोड़ दो, बस तुम बाकी के हीरे मेरे पास पहुंचाने का बंदोबस्त करो और मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेजने का बंदोबस्त करूं। सेठ गोवर्धनलाल, हीरे कब, कहां और कैसे पहुंचाने, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हेलो हेलो, तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। छोड़ दूंगा, जल्दी क्या है? पहले तुम्हारे बाप को पुलिस को फोन तो करने दो। तुम्हारा बाप पुलिस को फोन करेगा, पुलिस घर पे पहुंचेगी। जैसे ही पुलिस तुम्हारे घर पे पहुंची, मैं तुम्हें पुलिस के सामने तुम्हारे घर पे भेज दूंगा, बस। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, 7 करोड़ चाहते हैं तो चले जाए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। रिलैक्स मिस्टर लाल, अपने बेटे को उस डीलिंग में भेजने से पहले आपने उस ज्वेलर से वो मिस्टर जवेरी उनसे कंफर्म कर लिया था कि वो अपना आदमी भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी डायरेक्ट बात हुई थी खिमजी भाई से, और फिर वो पहले भी बंसीलाल को कई बार भेज चुके हैं, इसमें शक करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसके मायने ये हुए मिस्टर लाल कि जो शख्स आपके बेटे को उस होटल में मिला था और सनराइज में, वो इस डीलिंग के बारे में जानता था। उसने पहले बंसीलाल के कमरे पर कब्जा किया, उसके बाद आपके बेटे को काबू में किया। मिस्टर लाल, किसी ऐसे शख्स को जानते हैं आप जो इस डीलिंग के बारे में पहले से जानता हो और आपके हिसाब से फायदा उठा सकता हो? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता, अगर जानता भी हूं तो फिर इसे क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा तो उसके कब्जे में है ना, जब तक मैं उसे ये हीरे नहीं दूंगा तब तक उसकी जान को खतरा बना ही रहेगा। लाल, हीरे देने के बाद भी आपके बेटे की जान पे खतरा बना रहेगा, अगर हम थोड़ा पहले वहां पहुंच जाएं तो शायद आपके बेटे की जान बच सकती है। तो पहले हमें होटल सनराइज जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो अभी तक होटल में होगा? ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वहां से मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिले।
शक बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। बंसीलाल जी की जगह लेने के लिए उसने पहले बंसीलाल जी का खून किया। हो ना हो, ये शख्स बंसीलाल ही। सर, हो सकता है कि यहाँ किसी चीज पर से हमें उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं, जिससे हम उस तक पहुंच सकें। मुझे नहीं लगता श्रीवास्तव, ये ग्लासेस अभी अभी धोए गए, इसके मायने क्या हुए? इस आदमी ने यहां हर चीज पर अपने निशान मिटाने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि इस बांसुरी पर से भी उसने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हैं। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हमें उस रास्ते पर नजर रखनी होगी श्रीवास्तव, जिस रास्ते से होकर वो गोवर्धन लाल जी के पास जाने की कोशिश करेगा। क्या हुआ, कुछ पता चला हरीश का? कहाँ है मेरा बेटा? मिसेज लाल, आप इत्मीनान रखें, मैं आपसे वादा करता हूं वो जो कोई भी है मैं बहुत जल्द उसे पकड़ लूंगा। लेकिन कैसे, कैसे इंस्पेक्टर भारत, कैसे? देखिए मिस्टर लाल, हीरे हासिल करने के लिए वो आपको फोन जरूर करेगा, और आपके घर आने वाले हर फोन कॉल को ट्रेस करने का हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। मुझे पूरा यकीन है मिस्टर लाल कि वो आपको फोन बहुत जल्द करेगा और जरूर करेगा। हेलो, यो सेठ, पहचाना? अपुन बोलता है। देखिए आप जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भगवान के लिए मेरा बेटा वापस कर दीजिए, मेरा बेटा वापस कर दीजिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं आपको 7 करोड़ के हीरे देने के लिए भी तैयार हूँ। अपुन जानता था कि तुम अपने छोकरे के वास्ते 7 करोड़ तो क्या, 60 करोड़ भी दे सकते, इसलिए अपुन ने तेरे पे विश्वास करके तेरे छोकरे को छोड़ दिया। क्या वो क्या सेठ के अपुन ने सोचा, पॉकेट में तेरे को भी तकलीफ होएगा और उस इंस्पेक्टर को तेरे घर में बैठेला। बाकी के 6 करोड़ के हीरे अपने छोकरे के हाथ मेरे पास जरूर भेजे, वो हीरे कब कहां और कैसे पहुंचाने हैं अपुन तेरे को बाद में बताएगा। हेलो हेलो, क्या क्या हुआ? तू शांत हो जा प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। सर, वो कॉल एक प्रीपेड मोबाइल से किया गया था और मोबाइल नंबर है 9821060960। अभी चालाक आदमी है, वो जानता है कि हम यहां पर मौजूद हैं। सुना नहीं आपने इंस्पेक्टर साहब, उसने क्या कहा कि वो हरीश को छोड़ रहा है, हरीश घर आ रहा है। मां, हरीश, मुझे मत छूना, मैं एक चलता फिरता बॉम्ब हूं। नहीं, इसे अगर छुआ या निकालने की कोशिश की तो यह फट जाएगा और उसके साथ मैं भी। डोंट मूव, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। हिलना नहीं, एक मिनट। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? एक मिनट।
Nothing will happen. Just relax. 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 श्रीवास्तव, बॉम्ब स्क्वाड को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, क्विक! हेलो, अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम्हारे बम स्क्वाड वाले इसको डिफ्यूज कर लेंगे, तो ये तुम लोगों की भूल है, क्योंकि उसका सिस्टम समझने में इनको 4 दिन निकल जाएंगे। बम अब से 12 घंटे के अंदर अंदर अपने आप फट जाएगा, और इसका समय शुरू होता है अब। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या कह रहा है? सेठ को बोलो कि बाकी के 6 करोड़ के हीरे अब उनके पास 12 घंटे के अंदर अंदर पहुंचा दे, नहीं तो इसका बेटा फट जाएगा। उसको बोलना कि शान बत्ती करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका बम का रिमोट अब उनके हाथ में। जैसे अपन घड़ी चालू कर सकता है ना, वो घड़ी बंद भी कर सकता है। हेलो हेलो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब, इसमें 3-4 तरह के पैटर्न यूज किए गए, हाई प्रेशर से फट सकता है और रिमोट से फट सकता है, और खास तौर से हल्का धमाका भी इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझसे कहा था कि पटाखे का जरा सा धमाका भी इसको इसको ब्लास्ट कर सकता है, और अगर मैं जरा बेंड भी हो गया तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। मिस्टर सानी, इसे डिफ्यूज करने का कोई तरीका? कोशिश की जा सकती है, लेकिन बॉडी पर रहते जानलेवा साबित हो सकता है। सानी साहब, इस बेल्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता? नो, क्योंकि बेल्ट के अंदर तारों की एक जाली है जिससे सर्किट जुड़ा है, और अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो नतीजा। देखिए ना बैड, मैं ठीक तरह बैठ सकता हूँ, मैं ठीक तरह लेट सकता हूँ, बैड क्या इसका कोई और रास्ता नहीं? रास्ता है बेटा, रास्ता है। को 7 करोड़ के हीरे चाहिए ना, मैं दे दूंगा उसे, लेकिन कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हीरे पहुंचाने कहां हैं। बस हमें भी इसी बात का इंतजार है गोर्धन सेठ, और किसी खास किस्म की किमान की खुशबू आ रही है इस बांसुरी में से। What? ऐसा लगता है जैसे ये इमाम पान में या गुटके में इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर हरीश, वो आदमी पान या गुटका खाता था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो हमेशा पान खाता रहता था। मिस्टर सानी, ये बताइए कि इस आदमी के पास जो रिमोट है उसकी रेंज क्या है? हेलो जोसेफ, बेटा मिल गया। तुमने क्या किया है? तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को आजाद कर दो, छोड़ दो उसे प्लीज। आजाद कर दूं? तुम अपने बेटे को मेरे पास भेज, लेकिन 6 करोड़ के हीरे भेजना मत भूलना। मुझे मंजूर है, लेकिन ये तो बताओ हीरे लेके आना कहाँ है? आइए साहब। Oh,
देख, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर तू 90 डिग्री एंगल पे हल्का सा भी बेंड हुआ तो ये बम फट जाएगा। शाबाश, अब हीरे लेकर पीछे पहाड़ी के टीले पर पहुंचो। पैदल सेठ, तुम्हारे बेटे को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, वो हीरे दिए बगैर वापस को चला गया। तुम लोगों ने कहा था कि वो बम इतना खतरनाक है, थोड़ा सा झटका लगने पर वो ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए। इंस्पेक्टर भारत, ये मत भूलो कि सेठ के बेटे की जान को खतरा घर में भी। यहां बैठे बैठे बस एक बटन दबाऊंगा और उसके बदन के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। एक मौका और देता हूं, इस बार छोकरा अकेला आना चाहिए। सुनो इंस्पेक्टर, अगर तुम साथ आए तो सेठ के बेटे की जान गई। कौन है? फिक्र मत करो, इस बार जगह सेफ हो। हेलो इंस्पेक्टर भारत, अब क्या होगा? कैसी सजा दी उस कमीने ने मेरे बेटे को? इंस्पेक्टर भारत, इस बॉम्ब में ट्रांसमीटर और एक्टिवेटर जो यूज किए गए हैं बहुत ही कम पावरफुल है और इनकी रेंज मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सानी, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे बहुत काम आ सकती है। जोसेफ सर, 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में कितनी पान की दुकानें हैं? तकरीबन 100-125 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए। मिल जाएगी। 15-20 दुकानों को छोड़ के बाकी की सारी दुकानें बंद कर दो सर। उससे क्या होगा? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मिस्टर लाल,
वो इंसान जिसके हाथ में वो रिमोट है, वो खुशबू वाला किमाम वाला पान खाता है, तो इसके पास जो रिमोट है वो 1.5 से 2 किलोमीटर की रेडियस में है। यकीनन ये इसी रेडियस के अंदर किसी पान की दुकान में या तो पान लेने आएगा या वो पान की दुकान में होगा। एक बार हम उसको मार्क कर लें, उसके बाद वो हमारे शिकंजे में। लेकिन सर उसे हम पहचानेंगे कैसे? हम में से किसी ने भी उस शख्स को देखा ही नहीं। मैं जानता हूं, मैं उसे सैकड़ों में पहचान सकता हूं। कैसे? उसकी बाई आंख से गाल तक एक निशान है, वो एक आंख से काना है। मतलब कि उसकी एक दुकान बंद। एक 320 नवरत्न किमाम स्पेशल। हेलो सर, शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शिंदे। सर अभी अभी आपके बताए हुए हुले का एक आदमी शीतला देवी रोड पर पान की दुकान पर पान लेने आया था सर, वो बाइक पर सवार था सर। वेरी गुड। और सर वो भाईदास रोड की तरफ गया है। तुमने उस बाइक का नंबर नोट किया? हाँ सर, MH01334। ओके, हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? तुम भाईदास रोड पर अपने आदमियों को वहीं तैनात रखो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ इमीडिएटली। ओके यस सर। या हेलो। या हाँ सर, मोटरसाइकिल टर्न मार के निकल गई आगे। ओके मैं पहुंच रहा हूं। जल्दी से अस्पताल लेके जाओ। What is this? वक्त गुजरता जा रहा है और इंस्पेक्टर भारत का कहीं पता ही नहीं। मिस्टर सानी प्लीज कुछ कीजिए ना। सॉरी मिस्टर लाल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहते जब तक कि सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। My God! पता नहीं अब क्या होगा। सर वक्त गुजरता जा रहा है, अगर इसे होश नहीं है तो क्या होगा? श्रीवास्तव पेशेंट को होश आ गए लेकिन अभी भी उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। आप चाहे तो 2 मिनट बात कर सकते हैं, ओनली 2 मिनट। थैंक यू डॉक्टर। इंस्पेक्टर राणा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मरने से पहले एक अच्छा काम कर जाओ राणा। क्यों एक और पाप अपने सर लेना चाहते हो? मुझे बताओ राणा, वो बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करना? क्यों किसी बेगुनाह की जान लेना चाहते हो? तो मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। क्यों? इंस्पेक्टर, सेठ कवर्धन लाल ने मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा कर जेल भेज दिया।
और मेरी बीवी, मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया इंस्पेक्टर, सुसाइड कर लिया। इंस्पेक्टर कसेट गोवर्धन लाल का पूरा वंश हो जाए। राणा तुम या इंस्पेक्टर भारत, अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और अगर इन 20 मिनट में भी कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं। Yes, I know it. Okay, just relax. राणा तुम्हारी दुश्मनी गोवर्धन लाल के साथ है, उसके बेटे के साथ नहीं है। तुम उस बेगुनाह की जान क्यों लेना चाहते हो यार? मेरे पास वक्त बहुत कम है राणा, प्लीज बताओ बॉम्ब डिफ्यूज कैसे करना है। बताओ प्लीज राणा। बम डिफ्यूज करने के लिए तुम्हें खुद जाना होगा। मेरा बॉम्ब स्क्वाड वहां पर है, मैं उसे मोबाइल पे बताता हूँ कौन सी वायर काटनी, मुझे बता दो प्लीज। मोबाइल पे बता देंगे ना उसको? बम डिफ्यूज तुम्हें करना होगा। ओके, मैं खुद जाता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें मोबाइल पे बताऊंगा कि बम को कैसे कैसे डिफ्यूज करें। जी श्रीवास्तव, इसका ध्यान रखना। ओके राणा। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। मिस्टर मिसेस लाल, आप जरा बाहर जाइए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा। प्लीज बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। मैंने कहा बाहर जाइए, दैट्स एन ऑर्डर, कम ऑन। प्लीज आप जाइए, आप जाइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। श्रीवास्तव, राणा को फोन दो। राणा, इंस्पेक्टर भारत से बात करो। बोलो भारत। हाँ राणा, तुमने कहा था ना मैं बॉम्ब के पास पहुंच गया, अब मुझे बताओ बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करना है प्लीज। राणा मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बताओ कैसे डिफ्यूज करना है राणा प्लीज। राणा द टाइम इज टेकिंग, मेरे पास वक्त नहीं है प्लीज। राणा प्लीज, तुम बोलते क्यों नहीं? God's sake, come on, hurry up! बताओ मुझे! Come on, hurry up! For God's sake, राणा मुझे बताओ ना यार! भारत, उस बम में दो वायर हैं। दो वायर? कौन सी दो वायर? दो वायर? सही बात है। राणा कौन सी दो वायर? वो दो वायर ऐसे हैं जो बम को बैटरी के साथ जोड़ते हैं। बैटरी को जोड़ती हुई दो वायर से। हाँ ये दो वायर्स बैटरी को जोड़ती हुई दो वायर्स हैं राणा, ये ब्लू और ग्रीन। राणा प्लीज, फॉर गॉड्स सेक बताओ ब्लू और ग्रीन यही दो वायर्स हैं? स्पीक अप, मुझे बताओ यही दो वायर्स हैं ब्लू और ग्रीन? उसमें से एक वायर काट दो। राणा फॉर गॉड्स सेक बोलो कौन सी वायर काटनी है, ब्लू या ग्रीन? राणा कम ऑन स्पीक अप। राणा प्लीज बोलो ना यार। राणा ये दो वायर्स हैं ब्लू और ग्रीन, कौन सी वायर काटनी है, ब्लू या ग्रीन? ब्लू या ग्रीन? कट द ब्लू वायर। ओके, ब्लू वायर, ब्लू वायर, ब्लू ब्लू वायर को काट दो, कट द ब्लू वायर।
वायर को काट दो। भारत, तुम मुझे सुन रहे हो ना? वायर को काट दो। Are you hearing me, भारत? ब्लू वायर को काट दो। भारत, तो ब्लू वार को क्यों नहीं काट रहे? वायर को काट दो। राणा, मैंने वायर काट दी है। हाँ, लेकिन ब्लू नहीं, ग्रीन वायर, और बॉम्ब डिफ्यूज हो गया। भारत, डैड, भारत, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो ना? वेरी सिंपल राणा, मैं तुम्हें बताता हूं। हॉस्पिटल में जब मैंने तुमसे कहा कि बॉम्ब स्क्वाड वाला बॉम्ब को डिफ्यूज कर देगा, वहां बैठा हुआ है, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं जाऊं और बॉम्ब को डिफ्यूज करूं, वहीं पर बात कुछ थोड़ी सी समझ में आ गई कि तुम्हारा खुराफाती दिमाग कुछ सोच रहा। और यहां आने के बाद जब मैं ब्लू वायर काटने वाला था, तुम चिल्लाए। तुम्हें कैसे पता चला कि तब तक मैंने ब्लू वायर नहीं काटी थी? क्योंकि धमाका नहीं हुआ। धमाका होता, इन सब लोगों के साथ साथ मेरे भी चिथड़े उड़ जाते। करेक्ट। सॉरी राणा, मैंने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हारे किए की सजा कानून तो तुम्हें देगा ही, लेकिन तुम सुन रहे हो ना राणा? श्रीवास्तव, व्हाट हैपेंड? राणा, हेलो श्रीवास्तव, सर, व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी सर, ही इज नो मोर। लगता है भगवान ने उसे उसकी किए की सजा दे दी। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका सकता भरत साहब, इसलिए मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। मैं आपको अपनी सारी दौलत आपके कदमों में डाल सकता हूं। दौलत? गोवर्धन सेठ, अगर आपके पास बेशुमार दौलत है तो समाज सेवा में इस्तेमाल करें, उसका सही इस्तेमाल करें। आपकी दौलत, आपकी बेशुमार दौलत आपके बेटे की जान नहीं बचा सकती थी गोवर्धन सेठ, ठीक उसी तरह राणा की चलाकी उसे बचा नहीं पाई। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हद से ज्यादा कुछ भी खतरनाक होता है, भले वो दौलत हो या चालाकी।